हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर 370 वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो रहा है। मैं लोगों वहाँ के लोगों से मिला, जो वहाँ कर लोकल कश्मीरीज हैं उनसे मिला, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर चेंजेस आए, बदलाव आए। तो मुझे लगा कि ये हमको करना चाहिए। तो फिर जो गुलमर्ग है वहाँ पर हम स्कीइंग करने गए आगे श्रीनगर से, तो फिर देखा कि यार ये गुलमर्ग तो स्विट्ज़रलैंड से भी काफ़ी अच्छा है। पहले तो बचपन में तो पता नहीं था क्या स्विट्ज़रलैंड है और क्या गुलमर्ग है, लेकिन अब तो सब देखा हुआ है। तो मैंने कहा ये तो गुलमर्ग को हम स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे बात की, होम मिनिस्टर से बात की कि जी मुझे ये करना है। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि ये तो करना ही चाहिए। तो अब जो है हम लोग गुलमर्ग को एक ओलंपिक का वो करने के लिए कि हम विंटर ओलंपिक वहाँ पर लॉन्च करें 2030 का, हाँ, तो उसके लिए अब काम हो रहा है। उसके लिए उसके ऊपर मैं एक मास्टर प्लान बना रहा हूँ, जो मैंने किरण रिजिजू जी से बात की, वो भी आए थे वहाँ पर गुलमर्ग में, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए, हम लोगों ने सब ने बैठ के बात की। तो मेरा क्या कहना है कि एक मैंने तो एक छोटा सा रूप से सोचा कि शायद हम ये करें, लेकिन देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी, आप देखिए, हाँ शर्मा जी, और कि मैंने सोचा और वो आज एक एक एक्चुअल में रूप लेने की कोशिश हो रही है। ओलंपिक्स के लिए जगह बनाना तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, आई मस्ट गिव इट टू यू। मतलब ऐसा सुन के ही अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसा आपने बताया कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद एक तरीके से हम सब लोगों पे, हम सब बिजनेसमैन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम वहाँ जाएं और कंट्रीब्यूट करें, कुछ करें, और आप एक रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत ही इससे आपके दिमाग में ये भी एक बात है क्या कि वहाँ के युवकों को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ही जरूरी है? ये तो अगर विजय भाई अगर ये हो जाता है कि वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स का काम शुरू हो जाता है तो हजारों, वहाँ पर आबादी कितनी है, वैली की आबादी 70 लाख की आबादी है, बस केवल 70 लाख। 70 लाख में से मैं समझता हूँ 30-40 लाख को तो काम मिला ही हुआ है, कोई खेती कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, काम मिला। बात केवल हम 10-20 लाख आदमियों की, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवकों की बात कर रहे हैं, अगर उनको काम मिल जाता है तो काम प्रॉब्लम ही सॉर्टेड आउट है। तो इसलिए मेरे और मैं जानता नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी का तो बहुत बड़ा विजन है, उन्होंने तो ऑलरेडी ये प्लान किया ही हुआ है कि हमको कश्मीर को चेंज ही करना है, पूरा बदलाव लाना है कश्मीर के अंदर। तो वो इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे शर्मा जी। मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे टूरिज्म के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं, तो आप जब स्पोर्ट्स की एक ओकेजन बना देंगे तो टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब हम सब देशवासी वहाँ जाएंगे तो कश्मीर फिर से पूरा पूरा बागबान और आबाद हो जाएगा। वो शब्द हुआ है बिल्कुल।